नमस्कार, बिजनेस टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने बिजनेस के कुछ ऐसे टिप्स ऐसे ट्रिक्स लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट और आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप इस चीज को लेकर बहुत परेशान होते हैं कि आपको काम तो स्टार्ट करना है, पर आप समझ नहीं पाते हैं कि आप किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करें। तो दोस्तों, आइए आज मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हूं और इस वीडियो में देखते हैं किस टाइप का बिजनेस आप कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, यह बिजनेस ऐसा है, आप किसी भी जगह से इसका स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आप शुरुआत इसकी कहीं भी जगह से कर सकते हैं, चाहे वह छोटी जगह हो, चाहे वह बड़ी जगह हो, चाहे वह गांव हो या शहर हो, कहीं भी यह बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्या दोस्तों, यह बहुत ही ज्यादा सिंपल बिजनेस है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ही इस बिजनेस की सारी जानकारियां आपको देते हैं। जी हां दोस्तों, आपको कौन कौन सी मशीन खरीदनी होगी, कौन कौन सी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। जी हां दोस्तों, इसकी मशीन भी बहुत छोटी सी है, 1500 से 2000 रुपए के बीच में आपको कहीं भी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको इसके रॉ मटेरियल बस खरीदना होगा कि किस तरीके से आपको रॉ मटेरियल खरीदना है और कैसे इसको बनाना है। आप इसको बिजनेस को करने के लिए आपको कौन कौन से लाइसेंस बनवाने होंगे, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये बिजनेस है टर्मरिक का, जिसको हम हिंदी में हल्दी बोलते हैं। इससे हमें आपको रॉ हल्दी खरीदना है, जिसे हम गोटा वाला हल्दी बोलते हैं, उसको खरीदना है। इसे किसी भी मशीन वाले से ग्राइंडिंग कराना है, पिसवाना है और उसे पिसवा कर पैकेजिंग करके और उसे मार्केट में सेल करना है। यही सिर्फ आपको इतना ही करना है। आपको हल्दी मार्केट से खरीदना है, कहाँ से आपको खरीदना है हल्दी, ये भी हम आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे आपके साथ जाने में और बताने में। और उसे किसी भी मशीन वाले से पिसवाना है और उसे पैकेजिंग करना है, पैकेजिंग कैसे करना है हम आपको ये बताएंगे, और उसे बाद में सेल कर देना है। जय दोस्तों, आपको पता होगा कि हल्दी का प्रयोग खाने से लेकर मेडिसिन में और हिंदू धर्म में जो पूजा होता है उसमें भी किया जाता है। ये बिजनेस जो है बहुत ही अच्छा चलने वाला बिजनेस है और यह बिजनेस हर जगह चलेगा, चाहे वह गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे छोटी बस्तियां ही क्यों ना हो, यह हर जगह चलने वाला बिजनेस है। जी दोस्तों, आपको होता होगा, आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं हो रहा होगा कि इतने छोटे बिजनेस से आप इतना ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। जी दोस्तों, जो आप खाने में इस्तेमाल करने वाली हल्दी खरीदते हैं, वो छोटा सा पैकेट 100 ग्राम का 25 रुपए का मिलता है। आप जो है उसी 100 ग्राम को मात्र 15 से 16 रुपए में तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि इस बिजनेस से आप कितना कमा सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए आप सबसे पहले रॉ मटेरियल की हल्दी लेना है, जिसको आपको मार्केट से खरीदना होगा। ये खरीदने के लिए आप दो तरीके से खरीद सकते हैं। एक, आप अपने नजदीकी स्टोर से, जहां आपको सस्ते रेट से प्रोडक्ट मिल जाता हो, और दूसरा इंडिया मार्केट सप्लायर से आप कॉन्टैक्ट करके और खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको इंडिया मार्केट सप्लायर से किस तरीके से कॉन्टैक्ट करना है और किस प्राइस में आपको मिलेगा, वो हम आपको बता देते हैं। इंडिया मार्केट की साइट पर हम चले आए हैं। जी दोस्तों, इंडिया मार्ट एक ऐसा ऐप है जिससे आपको किसी भी प्रोडक्ट का सप्लायर आसानी से मिल जाता है। जी दोस्तों, फिर आपको यहाँ पर आकर लिखना है रॉ टर्मेरिक सप्लायर और टाइप करके सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको आसानी से यहाँ पर बहुत सारे सप्लायर्स आपको मिल जाते हैं। जी हां दोस्तों, यहाँ पर आपको 120 रुपया पर केजी मिल रहा है। जी हां दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं, आप सप्लायर को फोन करके भी पूछ सकते हैं। जी हां दोस्तों, इस तरीके से आप आसानी से यहाँ पर टर्मरिक खरीद सकते हैं। जी हां दोस्तों, जब आप रॉ हल्दी खरीद लेते हैं तो इसको पिसवाना होता है। इसको पिसवाने के लिए आप अपने नजदीकी किसी भी मशीन वाले से पिसवा सकते हैं, जो मसाले पीसते हैं। जी हां दोस्तों, इसके बाद आपको पैकेजिंग करना बचा। जय दोस्तों, अब आप पैकेजिंग करने के लिए आपको तीन चीजों की आवश्यकता होगी, वो है पॉलिथीन, हल्दी और एक मशीन की। जय दोस्तों, आप अब उस पैकेजिंग करने के लिए पॉलिथीन में हल्दी डालकर उसमें आपको जितने भी वेट अनुसार 250 ग्राम 100 ग्राम जितने का भी आपको बनाना है, आप उसको पैकेट तैयार कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको वेट मशीन किसी भी तरीके का ले लेना है। वेट मशीन यानी कि हम जिसे हिंदी भाषा में तराजू बोलते हैं, अब आप उसके ऊपर तोल कर आसानी से अपने टर्मरिक को पैक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आपको मशीन पे कर ऑटोमेटिकली आपका वो पैक हो जाएगा और यह मशीन भी आपको 1500 से 2000 रुपए तक मिल जाती है। जी दोस्तों, इन मशीनों को खरीदने के लिए हमने आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सब चीजें बता दी हैं। ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको अमेजोन पे भी कहीं पे भी ये मिल जाता है, आप खरीद सकते हैं आसानी से। जी दोस्तों, और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अच्छी क्वालिटी की हल्दी लेनी है। जी दोस्तों, अब आपको इन्वेस्टमेंट इन 1 kg टर्मरिक और अब इसके बारे में सब कुछ बता देते हैं। रॉ मटेरियल टर्मरिक प्राइस आपको 130 रुपया मिलता है, ग्राइंडिंग कॉस्ट 10 रुपये होती है और पैकेजिंग कॉस्ट 10 + 10 = 20 रुपये हो जाता है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपको 160 रुपये पड़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप टोटल प्रोडक्शन इन 1 आवर करते हैं, तो अगर आप 100 पाउच भी 10-10 kg
करके बनाते हैं तो आपको टोटल प्रोडक्शन इन वन डे हो जाता है। तो दोस्तों एक दिन में 80 केजी आप आराम से कर सकते हैं अगर आप 8 घंटा काम करते हैं तो। या दोस्तों इसी तरीके से आप 30 दिन काम करेंगे तो 2400 केजी बन जाएगा। अगर आप मार्केट में 20 रुपया में 100 ग्राम भी सेल करते हैं तब भी आप 200 रुपया पर केजी आप इसका मुनाफा कमा सकते हैं। एक केजी में आपका 160 रुपया इन्वेस्ट होता है, यानी कि 100 ग्राम में आपको 16 रुपया इन्वेस्ट होता है और 20 रुपये में आप इसे सेल करते हैं तो आपको 4 रुपया प्रॉफिट होता है 100 ग्राम में। इसी तरह एक केजी में आपको 40 रुपये हो जाएगा, यानी कि 10 पाउच बनेगा 100 ग्राम का तो 40 रुपये हो जाएगा। इस तरीके से आपका एक दिन में जो है अगर आप 80 केजी प्रोडक्शन करेंगे, अगर एक पाउच पे 40 रुपया प्रॉफिट होता है तो 80 पैकेट पे आपको 3200 रुपया आपको सीधा सीधा प्रॉफिट होगा। इस तरह से आपको टोटल प्रॉफिट जो होता है एक मंथ में 30 दिन काम करेंगे 30 को 3200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 96000 रुपया हो जाता है। यानी कि आप एक महीना में आप 96000 रुपये तक का इसका बिजनेस को कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके हार्ड वर्क और आपकी मार्केटिंग स्किल पर डिपेंड करता है। आप जितना ज्यादा मार्केटिंग कर पाएंगे उतना ही ज्यादा आप प्रॉफिट कर पाएंगे। अगर आप इससे ज्यादा सेल कर पाएंगे तो इससे ज्यादा प्रॉफिट कर पाएंगे। अगर आप इतना प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं तो आप प्रॉफिट भी नहीं कर पाएंगे। चाहे दोस्तों ये बहुत सिंपल बिजनेस है, ये कोई ज्यादा इसमें लोचा नहीं है और मार्केटिंग करना इसका बहुत आसान है, हर जगह हल्दी इस्तेमाल में लाई जाती है। तो दोस्तों ये बिजनेस आप स्टार्ट करें और एक अच्छा मुनाफा कमाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, लौटेंगे एक नए वीडियो एक नए टिप्स के साथ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि हमें कुछ ऐसे ही और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है।